जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों के इतने पवित्र दिन चल रहे हैं। इन दिनों माता के 9 दिन 9 नवरात्रों में हम माता को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भोग लगाते हैं। तो बस आज मैंने भी जो फलाहार की थाली माता के लिए बनाई वो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैंने बनाए हरियाली आलू। जी हाँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने माता के लिए कैसे बनाए हरियाली आलू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 उबले हुए आलू मीडियम साइज के, जिनको कुछ इस तरीके से मैंने कट किया है। अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की, जिसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है। खट्टा दही नहीं होना चाहिए। कुछ पुदीना पत्ती और कुछ धनिया पत्ती, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तीखेपन के लिए हरी मिर्च कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक रनिंग पेस्ट रेडी कर लिया है मिक्सी में ग्राइंड करके। अब तैयारी करते हैं सब्जी बनाने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। पहले थोड़ा सा आलू को हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है। बस 1 मिनट घी में अच्छे से भूनने के बाद हम तैयारी करते हैं तड़का लगाने की। क्योंकि हम फलाहार के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं ऐड करेंगे। बस 1 चम्मच तेल में जो टमाटर की प्यूरी रेडी की थी उसको ऐड कर दिया है, साथ में स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च। बस यही 2 मसाले हम व्रत में यूज करते हैं। बस जो दही का बैटर हमने रेडी किया था साथ में वो भी हम मिला देंगे। 1 मिनट अच्छे से बॉईल आने के बाद जो आलू हमने भून के रखे थे वो भी हम इसमें मिला देंगे। बस बहुत ही आसान है और 5 मिनट में ये आलू बनके तैयार हो जाते हैं। जैसे ही दही आपका ऑयल छोड़ देती है, बस समझिए आपकी सब्जी बनके तैयार है। सब्जी बन गई और थाली में मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और भगवान के भोग में तो मीठा जरूरी है। तो मैंने बनाई साबूदाने की खीर। 1 कप साबूदाना 3 घंटे पहले ही मैंने अच्छे से पानी में सोख करके रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे पहले अच्छे से बॉईल किया है और साबूदाना भी उसमें मिला दिया। साबूदाना जब तक हमारा बॉईल होता है तब तक हम करते हैं दूसरा काम, जो है खजूर के बीज निकालना। जी हाँ, मैं मीठा के लिए यूज कर रही हूँ खजूर। मैं मिठास के लिए चीनी या मिश्री कुछ भी नहीं डाल रही हूँ खीर में। मैंने यहाँ पर खजूर लिया है, जिसे थोड़ा सा दूध ऐड करके मिक्सी में ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया है। बस इसी पेस्ट को मैं ऐड करूँगी अपनी खीर में। खजूर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खीर में, साथ ही साथ आपकी सेहत को भी बहुत अच्छा रखता है। चीनी हम सबकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कुछ मीठा बनाऊँ तो चीनी का एक हेल्दी रिप्लेसमेंट मैं ढूंढ ही लेती हूँ। तो मैंने बनाई खजूर की खीर। खजूर को अच्छे से दूध में बॉईल करना है 5 से 10 मिनट। साथ में मैंने किशमिश ऐड करी है और चिरौंजी। बस इसके अलावा मैंने और कोई ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया है, क्योंकि खजूर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस 5 मिनट अच्छे से बॉईल करने के बाद आपकी खीर भी तैयार और सब्जी भी तैयार है। सब्जी भी बन गई, खीर भी बन गई। अब बारी आती है पराठे बनाने की। जी हाँ, मैं बना रही हूँ कूटू के पराठे, जिसकी स्टफिंग मैंने ली है आलू की। तो मैंने सबसे पहले आलू को ग्रेट किया है, साथ में थोड़ा सा धनिया, बहुत ही अच्छा लगता है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप कूटू और सिंगाड़े का आटा दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम आटे को ऐड करेंगे आलू में। हम आटा लगाने के लिए पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप ऑयल ऐड कर सकते हैं ताकि वो चिपके नहीं, क्योंकि ये बहुत चिपकता है। बस हम धीरे धीरे आलू और आटे को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग ही हम आटा ऐड करेंगे, साथ में स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च। बस अच्छे से धीरे धीरे हम हाथों से गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता है, ये सॉफ्ट ही रहता है, क्योंकि इसमें आलू की स्टफिंग है। बस आटा हमारा तैयार है। 5 minutes later.
आटा हमारा तैयार है तो बस अब किस बात की देरी है, अब हम बनाते हैं पराठे। आप चाहे तो पूड़ी भी बना सकते हैं। इसी पराठे को अगर आप डीप फ्राई करेंगे ऑयल में तो वो फूल के पूड़ी बन जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर आज पूड़ी नहीं बनाई है, मैं बना रही हूँ पराठे, वो भी एकदम क्रिस्पी जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस हल्के हल्के हाथों से आपको इसको फैलाना है, बेलना नहीं है। थोड़ा सा आटा जब आप डस्ट करेंगे और हल्के हल्के हाथों से फैलाएंगे तो आपकी पूड़ियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। तवे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है और बस जो पराठे हमने बनाए हैं या फिर पूड़ी बनाई है उनको गरम तवे पे दोनों साइड से अच्छे से फ्लिप करते हुए सेक लेना है। थोड़ा प्रेस करके ही सेकना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से सिक जाते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रेस करके अच्छे से क्रिस्प होने तक इनको सेकना है फ्लिप करते हुए। दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प होने के बाद ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरी माता रानी के भोग की थाली बिल्कुल तैयार है, जिसमें है साबूदाने की खीर, हरियाली आलू, सैलेड और कुटू के पराठे। आप भी बताना कि आपको माता रानी के भोग की थाली कैसी लगी और आप भी क्या बनाते हैं थाली में, जरूर बताना। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।